आज हम लोग ना एकदम यूनिक चैलेंज करने वाले हैं। अच्छा है, वो चैलेंज होगा इमोट लूट चैलेंज। मतलब मेरे सामने जो इमोट दिख रहा है मैं इस इमोट को दिखाऊंगा एंड इस इमोट से मेरे को जो भी लूट मिलेगा मैं बस उसी लूट से पूरा का पूरा मैच खेलूंगा। तो चलो फिर प्लीज इक्विप एन इमोट। पीछे से कौन मार रहा है भाई? अबे भाई मार रही है भाई, चैलेंज कर रहा था भाई, मेरे को मार दिया यार, चैलेंज करना आया था। नोबड़ा साला इमोट तो होता नहीं, आ जाता इमोट चैलेंज करने नोबड़ा कहीं का। सो गाइस अभी तुम लोगों को बताऊंगा रस करने का सही तरीका। पूछा किसी ने? मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि तुम सामने वाले टीम को बहुत ज्यादा डैमेज दे देते हो एंड तब तुम लोग लोअर नहीं फोड़ के सीधा रस करते हो। तो रस हमेशा ऐसे करना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ये वाला इमोट तो होगा ही, ये करने से एनिमी का गोली तुम्हारा हेड पे नहीं लगेगा, तुम्हारा हेड के साइड से निकल जाएगा क्योंकि तुम हमेशा मुंड हिलाते रहोगे ऐसे। तो देखो मैं अब कैसे स्किल कंफर्म करूंगा और पूरा स्क्वाड वाइप कर दूंगा इनकी। अब भाई गोली कैसे लग रहा है? अब देखो मारूंगा मैं इसको। अबे भाई डाउन कर दिया भाई, बचाओ भाई। अबे यार हुई है फुल सॉफ्ट बजी भैया, किसको बताना नहीं मैं 5000 बार मारा हूँ ये वन टैप का क्लिप लेने के लिए। अबे बॉट के पास हीरोइक का ड्रेस कहाँ से आया? बॉट हीरोइक जा रहा है, तू हीरोइक नहीं जा पाता नोबड़ा। सुन मेरी बात, हीरोइक और ग्रैंड मास्टर पुश तो बॉट्स करते हैं, हम जैसे नोबड़ा सॉरी हम जैसे लेजेंड्स तो केडी पुश करते हैं। वैसे कितने का केडी है तेरा? नो मतलब एक का केडी। सुन मेरी बात, वो ग्रैंड मास्टर पुश करे या कुछ भी करे, इट्स हर चॉइस ऑफ कोर्स। या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू कॉल देम मजदूर। आई एम सॉरी बाबू। सामने कदी कुरुक्षेत्र लगा रखा है बंदों ने, तुम्हारा अर्जुन आ गया। रुको एम आएगा क्या इधर से? अरे भाई मैं बस ऐसे ही एम ले रहा था भाई, अचानक गोली चल गया भाई, क्या ओपी हेड लगाइए। अबे भाई फिर से एक फ्री किली बंदा क्या कर रहा है, खड़ा क्यों है भाई? भाई बंदा शायद ब्रेकअप का गम में खड़ा था। रुको इसके छाती पे ना गरम गरम चपाती छोड़ के जाऊंगा भाई, इसका किल नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे पता है ऊपर इसका एक टीममेट है, मैं उसको जाते हुए देखा था, बट अभी भी है क्या वो उधर? रुको जाके दर्शन कर लेते हैं उनकी। अबे ये क्या आंटी जी? अबे आंटी जी तुम सूर्य नमस्कार कर रहे हो क्या? नहीं आंटी जी का अकाउंट क्लोज हो चुका है, आंटी जी का अकाउंट से सारे लूट मेरे अकाउंट में डेबिट हो रहा है। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे मर जाऊंगा, तो तुम लोग बिल्कुल गलत बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं मरने के लिए आया हूँ भाई। ठीक है गाइस लेट्स गो टू नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत बार क्या होता है हम लोग रैंक में फैल्को लाना भूल जाते हैं। देखो मैं क्लैश स्क्वाड खेल रहा था 20 टोन लेके, मतलब जो बॉम्ब फेंकने वाला पेट होता है ना वो लेके, ठीक है। अब मैं वही पेट लेके डायरेक्ट रैंक में स्टार्ट कर दिया, अब मैं भूल गया, मतलब एनिमीज ऑलरेडी उतर चुका है और मेरे को डैमेज भी दे दिया भाई। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं इधर से डायरेक्ट भाग जाऊंगा नीचे और मेरे को देखो कोई भी नहीं मार पाएगा अभी मेरे को, मतलब मार दिया वो अलग बात है, लेकिन मैं लॉबी में भाग जाऊंगा और फिर से फैल्को लेके आऊंगा, तू मेरे को नहीं मार पाएगा। मैं रिपोर्ट कर देता हूँ सर कहीं का। भाई देखो इसकी स्क्वाड की मैं ऑलरेडी दो बंदों को लॉबी में भेज चुका हूँ, अब इसका लॉबी में इंस्पेक्टेड टीम, अब इसका थर्ड बंदे की बारी है जो उस पेड़ के पीछे है, उसको मैं हेडशॉट देके मारूंगा, ठीक है। मेरे को सब कुछ पता है भाई क्योंकि मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, उसके बाद वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तुम लोग सोच रहे हो बोल बोल के मारो, मतलब मैं रोक हो तो तुम लोग सही सोच रहे हो, मैं रोक ही मतलब गाइस मैं रोक था कुछ देर पहले, लेकिन अभी मैं रोक नहीं हूँ, अभी मैं नोबड़ा, मैं रिपोर्ट मारो नोबड़े। सो गाइस तुम लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई क्लैश स्क्वाड में हर मैच में एमवीपी करने का ट्रिक बताओ। कौन बोल रहा था? कोई भी तो कमेंट नहीं किया कर कमेंट में। बोला था वो, तू शायद देखा नहीं होगा, मतलब बहुत सारा कमेंट था ना। छोड़ो वो सब, देखो एमवीपी बनेगा तुम्हें सबसे पहले रस करना है, सारे टीममेट से पहले मैं तो रस करने आ गया, तीन बंदा तीनों को मैं हेड मारूंगा भाई, प्लीज बचा लो प्लीज यार, कोई तो आ जा भाई, कोई प्लीज बचा लो। मार दिया भाई, मार मार साला मार मार इसको, मार मार इसको भी मार दिया नोबड़ा।